मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर आजादी के बाद से ही भूमिहारों का कब्जा रहा है। गांव की भाषा में कहें तो एक चुनाव छोड़कर वहां से हमेशा बावन यानी कि भूमिहार जाति से ही विधायक बनते आ रहे हैं और 90 के दशक से इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर बाहुबलियों का कब्जा हो गया है। मोकामा ने इस दौरान कई बार इतिहास भी रचा है। इसने पहली बार 1967 में इतिहास रचा था, जिसके बाद मोकामा ने दूसरी बार 1972 में इतिहास रच दिया और इसी तरह से इस विधानसभा ने 2010 में अपना नया इतिहास बनाया। इसके बाद से ये 2020 तक इतिहास ही रचता रहा है, लेकिन अब इतिहास दोहराने की बारी है। तो क्या मोकामा विधानसभा क्षेत्र इस बार अपने इतिहास को दोहराएगा? इस बार ये विधानसभा क्षेत्र क्या फिर से महिला विधायक देगा? दरअसल बिहार में हर विधानसभा सीट का अपना एक प्रभाव है, अपना नाम और नेचर है। कोई विधायक के नाम से जाना जाता है तो कोई कास्ट फैक्टर के लिए जाना जाता है, तो कोई बाहुबलियों के लिए फेमस है, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र तीनों ही सांचे और ढांचे में बिल्कुल फिट है। मोकामा को आप बाहुबलियों के इलाके के रूप में भी जान सकते हैं, तो ये अनंत सिंह के इलाका के रूप में भी फेमस है और इसे भूमिहारों का गढ़ भी कहा जाता है। ये बिहार ही नहीं देश भर में पॉपुलर विधानसभा क्षेत्र है। आजादी के बाद से ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आ गया था और 1951 से ही ये जनरल सीट है। भूमिहारों का सबसे सुरक्षित चुनावी बेल्ट माना जाता है, यानी इस इलाके पर आजादी के बाद से ही भूमिहार वोटरों का दबदबा है। यहां से रिकॉर्ड 5 बार विधायक बनने वाले अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और 1952 में हुए बिहार के पहले विधानसभा चुनाव में यहां से विधायक बनने वाले जगदीश नारायण सिंह भी भूमिहार जाति से आते थे। 2020 के चुनावी आंकड़ों के अनुसार मोकामा में 2.5 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें 1,40,000 के आसपास पुरुष तो 1.25 लाख के आसपास महिला वोटर। मोकामा से लगातार 5वीं बार विधायक बनकर इतिहास रचने वाले अनंत सिंह की विधायकी इसी साल रद्द हो गई। सजा याफ्ता होने की वजह से सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि 2 साल से अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की विधायकी रद्द कर दी जाएगी और अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसी साल 21 जून को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। सीट खाली होने पर 6 माह के अंदर उपचुनाव कराने का प्रावधान भी है और इसके तहत अब 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को काउंटिंग। इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, हालांकि पहला दिन किसी ने नामांकन नहीं किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आरजेडी के कोटे में मोकामा सीट का जाना तय है और ये भी तय है कि यहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही आरजेडी टिकट देगा। 3 दिन पहले नीलम देवी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से इसे कयासबाजी पर लगभग मुहर भी लग गई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी के द्वारा इसका ऐलान भी जल्द हो जाएगा। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन की देखा देखी एनडीए की ओर से भी महिला उम्मीदवार देने की कयासबाजी तेज है और बीजेपी नेता इसे लेकर चुनावी मैदान में लगातार ताल भी ठोक रहे हैं। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से लेकर संजय जायसवाल तक कह रहे हैं कि मोकामा में बीजेपी महागठबंधन को धूल चटा देगी। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी पत्ता नहीं खोला गया है कि आखिर वो उम्मीदवार किसे बनाएगी। हालांकि नाम तो कई लिए जा रहे हैं। जहां तक मोकामा के इतिहास रचने की बात है तो 1967 में यहां से विष्णुधारी लाल को सफलता मिली थी। वे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर विधायक बने थे। मोकामा ने तब पहली बार इतिहास रचा था। दरअसल विष्णुधारी लाल लवकुश समाज से आते थे, इस तरह पहली बार भूमिहार के गढ़ में किसी गैर भूमिहार समाज से विधायक बने थे। तब इस रिजल्ट ने सबको चौंकाया था। इसके बाद 1972 में कृष्णा शाही को यहां से सफलता मिली। कृष्णा शाही मोकामा की पहली महिला विधायक बनी। इतना ही नहीं, वे वहां से दोबारा 1977 में भी विधायक बनी। दोनों ही बार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती। ये सफलता उन्हें तब हाथ लगी जब बिहार में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन मोकामा के भूमिहारों ने कृष्णा शाही के पक्ष में खुलकर वोटिंग की। लेकिन 1980 में कृष्णा शाही को कांग्रेस ने बेगूसराय से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो वहां से जीत भी गई। ये तो आपको पता ही है कि बेगूसराय भी भूमिहारों का गढ़ है और बेगूसराय से भी इतिहास में अब तक 2 ही बार बगैर भूमिहार सांसद बने हैं। यही वजह रही कि 1991 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में कांग्रेस एकमात्र सीट पर जीत पाई और वो सीट थी बेगूसराय से कृष्णा शाही की। अब बात करते हैं अनंत सिंह की।
अनंत सिंह कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। अनंत सिंह मामले में भी मोकामा ने कई बार इतिहास रचा है। जब अनंत सिंह लगातार तीसरी बार 2010 में विधायक बने थे तब ये मोकामा के लिए रिकॉर्ड ही था, क्योंकि इसके पहले वहां से कोई भी नेता तीन बार विधायक नहीं बना था। इसके पहले दो ही बार विधायक बनने का रिकॉर्ड तीन नेताओं के नाम पर था, लेकिन अनंत सिंह की जब सियासी पारी शुरू हुई तो चलती ही गई और ये पारी अब जाकर रुकी है। 2015 में जब अनंत सिंह को किसी दल ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। इनके सामने सभी बड़बोले नेता ठंडे पड़ गए, लेकिन अनंत सिंह की सियासी पारी कानून के डंडे के आगे ठंडा गई। इसी साल उनकी विधायकी रद्द हुई है। लेकिन अब सियासी चर्चा है कि अनंत सिंह की विरासत संभालने उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा के मैदान में उतरने वाली हैं। केवल अंतिम मुहर नहीं लगी है, उनका मोकामा में सियासी भ्रमण शुरू हो चुका है। इसमें उन्हें इसलिए भी दिक्कत नहीं हो रही है कि 2020 में वो ऐसा कर चुकी हैं। दरअसल 2020 में अनंत सिंह जब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वो जेल में थे और उनके पीछे में उनकी पत्नी नीलम देवी ही चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुई थी। ऐसे में मोकामा का चप्पा चप्पा उनका छाना हुआ है। इतना ही नहीं, नीलम देवी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मोकामा विधानसभा की बात कुछ और है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कास्ट फैक्टर के साथ ही अनंत सिंह की बादशाहत और महागठबंधन का लाभ अनंत सिंह को मिल सकता है। खास बात यह है कि इस बार महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोकामा भूमिहारों का गढ़ है और यहां भूमिहार के बाद सबसे अधिक वोटर ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और पासवान जाति से आते हैं। वहीं सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी ठीक ठाक वोटर हैं। लेकिन माना यही जाता है कि जिसके पाले में सवर्ण यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत वोट जाएंगे उसकी जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी अनंत सिंह से फरियाने को हर तरीके से तैयारी कर रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार यानी कि अनंत सिंह के उम्मीदवार से मुकाबला करने के लिए बीजेपी कौन सा गेम खेलती है। हालांकि जिस अंदाज में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा गरज रहे हैं उससे लोग कहने लगे हैं कि लड़ाई रोचक भी हो सकती है। दरअसल विजय सिन्हा भी मोकामा से ही आते हैं और वर्तमान में लखीसराय से विधायक हैं। उनकी नीतीश कुमार से दुश्मनी जग जाहिर हो गई है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी भी एनडीए की ओर से किसी महिला को ही उतारे जाने का मन बना रही है। अगर ये कायासबाजी सही हो जाती है तो फिर मोकामा से जीते कोई भी, जीत महिला विधायक के नाम ही हो सकता है। यदि अंतिम समय में उम्मीदवारी में कुछ उलटफेर होता है तो फिर रिजल्ट का इंतजार करने में ही भलाई है। इसके बाद पता चल जाएगा कि इस बार की दिवाली किसके लिए सच में दिवाली बनकर आई है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।